नमस्कार, मैं हूँ स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और मोदक की रेसिपी। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपके लिए काफ़ी मोदक के वेरिएशंस लेकर आऊँगी, तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही डिलीशियस लगती है और मेरा वादा है कि बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं उकड़ीचे मोदक, लेकिन उसमें होगा चॉकलेट और नट्स। तो चलिए बनाते हैं चॉकलेट और नट उकड़ीचे मोदक। चॉकलेट ड्राई फ्रूट उकड़ीचे मोदक बनाने के लिए हमने लिया है 1 प्लस 1/4 कप कसा हुआ गीला नारियल, 3 टेबलस्पून चॉकलेट सॉस, 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, थोड़े से बादाम जैसे काट लिया है और 1 चुटकी नमक। सबसे पहले हम बर्तन में कसा हुआ गीला नारियल ले लेंगे। उसमें बादाम, पाउडर्ड शुगर और 1 चुटकी नमक डालेंगे और साथ ही चॉकलेट सॉस। तीन टेबलस्पून चॉकलेट सॉस का इस्तेमाल करूंगी मैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे गरम करना है धीमी आंच पे, इस तरह चलाते हुए। इसे मैंने 2 से 3 मिनट इस तरह लगातार चलाते हुए गरम किया है। ये देखिए, इसका जो मॉइस्चर होता है ना, वो हमें रिड्यूस करना है ताकि मोदक एकदम अच्छे से बने। अब हमें गैस बंद करके इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। मोदक का कवरिंग बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप मोदक आटा, 3/4 कप पानी, 1 टेबलस्पून चॉकलेट सॉस, 1 टीस्पून तेल और चुटकी भर नमक। यहाँ पतीले में हमने पानी गर्म करने के लिए रखा है, उसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे, साथ ही 1 टीस्पून तेल। और अब हमें इसमें उबाल लाना है। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें मोदक का आटा डालेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, गैस बंद करके ही हमें मोदक का आटा डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे ढक के 10 मिनट के लिए इसी तरह रख देंगे। चलिए अब इसे खोलते हैं और इसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें चॉकलेट सिरप डालेंगे। अब हम इसे गूंदेंगे। जब ये थोड़ा गर्म होता है तभी हमें इसे गूंदना है। अगर आपको ये ज़्यादा गर्म लग रहा है तो आप कटोरी की सहायता से भी इसको थोड़ा इस तरह प्रेस करके पहले ले सकते हैं। ये देखिए, एकदम नेचुरल बढ़िया रंग आ रहा है इसमें। यहाँ मैंने पानी और तेल ले लिया है, इसकी सहायता से हम इसे गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी और थोड़ा थोड़ा तेल लगाना है जैसे ज़रूरत पड़े। मोदक का आटा एकदम अच्छे से हमें गूंदना है, ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट टिप है, आटा एकदम अच्छे से गूंदना है। ये देखिए, हमने आटा एकदम अच्छे से गूंद लिया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आटे को हमें हमेशा ढक के रखना है इस तरह। यहाँ मैंने स्टीमिंग प्लेट ले लिए, इसे भी हम थोड़ा ग्रीस कर लेंगे इस तरह। इस तरह हमने सारे गोले बना लिए हैं। एक मैं ले लूँगी और बाकी के जो है वो ढक के रखूँगी। ये बहुत ज़रूरी है, ढक के रखना है हमें। यहाँ हमने एक बॉल ले लिया है। अब थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा तेल लगा के हम इसे गूंदेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक मोदक बनाने से पहले हमें इसे थोड़ा गूंदना है, ताकि मोदक जो है वो एकदम अच्छे से बने और ये फटे ना। अब हम इसे शेप दे देंगे। जैसे लगेगा वैसे हम पानी और तेल का इस्तेमाल करेंगे।
अब हम इसे शेप देंगे, यानी इसकी कलियां बनाएंगे। तो उसके लिए हमें ये, ये और ये, ऐसे पहले तीन उंगली का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा हम पानी और तेल जैसे लगेगा वैसे हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए, इस तरह हमें इसे शेप देना है। अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। ऊपर इस तरह थोड़ी जगह हमें छोड़ देनी है। और अब मोदक हम बंद करेंगे, उसके लिए हम हाथ का जो ये हिस्सा है उसका इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा इस तरह पानी लगा लेंगे और एकदम धीरे से हमें इसे इस तरह बंद करना है ताकि कलियां जो है वो बिल्कुल खराब ना हो। ये देखिए, एकदम बढ़िया मोदक बनके तैयार है। आज हम इसे इलेक्ट्रिकल कुकर में स्टीम करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अंदर पानी डाला हुआ है और इस तरह से एक बर्तन रखा है। आप स्टैंड भी रख सकते हैं, इसे हाइट देने के लिए मैंने बर्तन रखा है। इसके ऊपर हम मोदक रखेंगे, इसे स्टीम करेंगे करीबन 20 मिनट के लिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल कुकर नहीं है तो आप गैस स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। और अगर आपको पतीले में इसको स्टीम करना है तो वो कैसे करना है वो मैंने मेरी शेंगा की जो रेसिपी शेयर की थी उस वीडियो में बताया हुआ है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और वीडियो के एंड में भी लगा दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि हम इसे गैस पर बर्तन में कैसे स्टीम कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये नया वेरिएशन उकड़ी के मोदक के साथ? आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए इस चतुर्थी, और मुझे लिखकर बताएं कि आपके कैसे बने। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इन्हें लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, जिसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए तो मेरी रेसिपी आते ही आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। थैंक यू।